नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है, आप 28 फरवरी से पहले ना भरें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पेमेंट अटक गई है और पेमेंट पूरी नहीं होगी। मेरे पास कई मैसेज आ रहे थे और मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंतर्गत मैंने बताया था, लेकिन मेनली इसी टॉपिक पर नहीं थी वो वीडियो। इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं ताकि उनकी समस्या का समाधान निकल जाए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप 28 फरवरी से पहले फॉर्म ना भरें, क्योंकि साइट जो है वो अपडेट हो रही है। और आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि एएलपी टेक्नीशियन की जो लास्ट डेट है 5 मार्च है, वो बढ़कर 31 मार्च कर दी गई है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। और यही रेलवे ग्रुप डी के साथ हुआ, क्योंकि हाल ही में बहुत परेशानी होने के बावजूद रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया गया है। तो पहले 10th वालों के लिए केवल 4 पोस्ट खुलती थी, अब उनके लिए पूरी 1 से लेकर 28 तक पोस्ट भरने के लिए ऑप्शंस आपके लिए आएंगे। तो इसलिए साइट अपडेट हो रही है। और दोस्तों, अपडेट होने के लिए उनने बताया था कि 2 से 3 दिन लगेंगे और 28 से आप फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ना मानो तो आप देख लीजिए दोस्तों, साइट पर मैं आपको बता देता हूँ सबूत के साथ। देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा आ रहा है कि रेल मंत्रालय ने आयु, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा की भाषा तथा परीक्षा शुल्क आदि से संबंधित शर्तों में कुछ संशोधन की घोषणा की है। तदनुसार संशोधित पात्रता के साथ संशोधित ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/2 यानी कि 28 फरवरी 2018 से भरने हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2018 तक बढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप वो था दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए। अब ये है आपका एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें ये लिखा आ रहा है कि रेलवे मंत्रालय ने आयु, परीक्षा शुल्क आदि से संबंधित शर्तों में कुछ संशोधन की घोषणा की है। तदनुसार संशोधित पात्रता के संग संशोधित ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/2 यानी कि वही 28 फरवरी 2018 से उपलब्ध कराए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि रेलवे ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन दोनों की डेट 31 मार्च तक हो गई है, और जो फॉर्म है वो 28 फरवरी से बिल्कुल मैनुअली आपको भरने के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप 28 फरवरी से पहले फॉर्म ना भरें, कि कुछ भी गलती हो सकती है, इसलिए आप 28 फरवरी के बाद फॉर्म भरें। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने पहले फॉर्म भर दिया मॉडिफिकेशन के लिए, तो दोस्तों आपको मॉडिफिकेशन के लिए एक चांस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको 250 रुपये नहीं लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक बार आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आराम से, बस 28 फरवरी का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।